हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रात के 10 बज रहे थे, हर ओर सन्नाटा था, लेकिन रात के सन्नाटे में गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की बाहर निकलती है। उसके सैंडल के खटखट की आवाज से वो सन्नाटा टूटता है। बाहर उसके इंतजार में एक आदमी अपनी बड़ी और लंबी सी कार में बैठा हुआ है। वो उसकी कार के पास जाती है और उसके शीशे पर नॉक करती है। शीशा खुलता है। लड़की अंदर बैठे शख्स से पूछती है, दिवाकर मित्तर? अंदर बैठा आदमी सहमति में अपना सिर हिलाता है। फिर वो लड़की जिसका नाम शोभा था, वो उसकी गाड़ी में उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। दिवाकर मित्तल उसके चेहरे की ओर मुस्कुराकर देखता है और कहता है, जैसा सुना था वैसी ही हो तुम, बहुत तीखी, लाल मिर्च की तरह। दिवाकर मित्तल के पैर कार के एक्सलेटर पर जाते हैं और पल भर में कार हवा से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कार शहर के एक सबसे बड़े 5-स्टार होटल में प्रवेश करती है। दिवाकर मित्तल पार्किंग में अपनी कार लगाता है और होटल के रिसेप्शन पर जाता है और अपनी प्री बुकिंग के बारे में बताता है। दिवाकर अपने रूम की चाबी लेता है और शोभा के साथ उस कमरे में जाता है। दिवाकर दरवाजा बंद करता है और शोभा से पूछता है, कुछ लोगी तुम पीने या खाने में? आप जो भी मंगा लीजिए। दिवाकर होटल के कमरे में लगे फोन से रिसेप्शन पर कॉल करके अपना ऑर्डर देता है। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है। वे दोनों खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीते भी हैं और फिर दिवाकर और शोभा एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह जब शोभा की नींद खुलती है तो दिवाकर वहां नहीं होता है। उसके तकिए के नीचे नोटों की गड्डी रखी होती है। वो गड्डी को उठाती है, फिर होटल के बाहर आती है। बाहर आकर वो एक कैब बुक करती है और उसमें बैठकर गर्ल्स हॉस्टल की ओर निकल जाती है। कैब वाला बीच बीच में उसे घूर कर देखता है तो शोभा को गुस्सा आ जाता है। क्या देख रहे हो बार बार पीछे मुड़कर? आगे देखकर गाड़ी चलाओ, नहीं तो अभी तेरी कंपनी में फोन करूंगी, फिर सारा घूरना निकल जाएगा। कैब वाला शोभा की बातों से डर गया। शोभा कैब की खिड़की से बाहर देखती हुई जा रही थी और मन ही मन खुद से बातें कर रही थी, सब कुछ कितना फेक है ना यहाँ, सब कुछ। कौन आदमी कौन सा चेहरा लगाए घूम रहा है किसी को पता नहीं है। मैं भी तो पिछले कई महीनों से एक नकली चेहरा लगाए घूम रही हूँ। सच कहूँ तो घिन आती है मुझे उस चेहरे से, दम घुटता है मेरा, लेकिन अब इस चेहरे के बिना मैं रह भी तो नहीं सकती। ये कहानी है जमालपुर की रहने वाली शोभा की। शोभा शहर के एक हॉस्टल में रहती है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। वो 8 महीने पहले ही शहर आई है। शोभा के पिता दीनदयाल उससे बहुत प्यार करते हैं। उसे अब भी याद है जब वो ट्रेन में बैठकर शहर आ रही थी तो। क्या बाबा, आप इस तरह बच्चों की तरह रोएंगे तो मैं शहर कैसे जाऊंगी? क्या कहूँ शोभा, 5 बरस की थी तू जब तेरी अम्मा तुझे गोद में डालकर हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई, तब से तुझे ही देखकर जिया है। जानती हूँ बाबा। सोचा था कि एक बार ही तुझे विदा करूँगा जब तेरी शादी होगी, लेकिन शादी के पहले ही। ये कहकर दीनदयाल शोभा को गले लगाकर फिर से फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है बाबा, मैं नहीं जाती हूँ शहर, यही रहती हूँ आपके पास, लेकिन आप ही तो हमेशा जिद करते हैं कि तुम्हें खूब पढ़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब आगे की पढ़ाई गांव में तो नहीं हो सकती, तभी तो मैं शहर जा रही हूँ। ठीक है, मैं ट्रेन से उतर जाती हूँ। उसी समय ट्रेन की सीटी बजी। दीनदयाल जल्दी से ट्रेन से उतरा। ट्रेन ने कुछ ही देर में रफ्तार पकड़ ली। शोभा ट्रेन से आगे निकलती गई और दीनदयाल पीछे छूटता गया। शहर में शोभा गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। उसकी रूम पार्टनर थी रेखा। रेखा का बैकग्राउंड भी शोभा की तरह ही था। उसके पिता नहीं थे, उसकी माँ दूसरों के खेतों में काम करती थी। बहुत कठिनाई से गुजर बसर होता था। एक दिन की बात है, शोभा कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे रेखा के तकिए के नीचे से नोटों की गड्डी मिली। इतने सारे पैसे, ये यहाँ कैसे आए? रेखा उस समय नहा रही थी। जब वो नहाकर बाहर आई तो शोभा ने उससे पैसों के बारे में पूछा, लेकिन रेखा ने उसकी बात का सही सही कोई जवाब नहीं दिया। आश्चर्य तो हुआ क्योंकि वे दोनों अच्छे दोस्त थे। कुछ बात तो है जो रेखा मुझसे छिपा रही है, लेकिन क्या? शोभा ने एक बात और नोटिस किया कि हफ्ते में 3-4 दिन रेखा रात को कहीं चली जाती थी और सुबह वापस आती थी। उसने इस बारे में भी रेखा से पूछा तो
तू भी बिना मतलब जासूसी करती रहती है। तू अपने काम से काम रखना। मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, हर चीज का हिसाब देना जरूरी है क्या? ये जरूरी तो नहीं, लेकिन कल को हॉस्टल की वार्डन को पता लग गया कि तुम रात रात भर बाहर रहती हो तो क्या होगा? तुझे पता है ना वो कितनी स्ट्रिक्ट है। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी उन्हें। धीरे धीरे शोभा ने रेखा की लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली देखी। वो महंगे से महंगे कपड़े और जूते खरीदती, लेटेस्ट मोबाइल फोन रखती, उसका जब जो मन करता वो करती। शोभा उसकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित हो गई। शोभा ने बचपन से अब तक गरीबी ही देखी थी, इसलिए उसका भी मन करता कि वो भी नए कपड़े खरीदे, महंगे मोबाइल रखे, उसका जो मन करे वो कर सके। रेखा देख, मैं तुझसे ये नहीं पूछने वाली कि तू ऐसी रईसों वाली लाइफस्टाइल कैसे जीती है, लेकिन मैं भी तेरी तरह जीना चाहती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ एक एक पैसे के लिए तरसते हुए। पहले तो रेखा टाल मटोल करती रही, लेकिन फिर उसने सच्चाई बता दी कि वो एक कॉल गर्ल का काम करती है। उसकी बातों को सुनकर शोभा शॉक्ड रह गई और उसने कहा कि अगर ये बात वार्डन को पता लग गई तो? तू बड़ी भोली है रे शोभा, हॉस्टल की वार्डन को सब पता है, वही तो हमें दबाव डालकर भेजती है लोगों के पास। वार्डन की सारी सच्चाई जानकर शोभा एक बार फिर से चौंक गई। रेखा ने उसे ये भी बताया कि हॉस्टल की कुछ और लड़कियां ये काम करती हैं। शोभा को ये सब सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल के चक्कर में वो अपने सम्मान का सौदा करने के लिए तैयार हो। मैं इस गंदे दलदल में फंस गई हूँ, हालांकि इस दलदल ने मुझे बहुत सारी वो चीजें दी जिसके लिए मैं तरसती थी, लेकिन मैंने अपनी मासूमियत खो दी है, मैंने अपनी शांति खो दी है, मैंने अपनी पवित्रता खो दी है। बाबा को कितनी उम्मीद थी मुझसे, और मैं क्या करने लगी, क्या करने लगी मैं। शोभा की आंखें भीग गई थी, वो अब ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल की वार्डन उस पर बार बार दबाव डाल रही थी। देख शोभा, जल में रहकर मगर से बैर मत कर, और हाँ, ये सती सावित्री बनने का नाटक छोड़ और जो बोलती हूँ वो कर। शोभा ने वार्डन को फिर से इनकार कर दिया। गुस्से में वार्डन ने उसे कहा, देख शोभा, तेरा इनकार तेरे भविष्य के सारे रास्ते बंद कर देगा। मेरी एक शिकायत पर कॉलेज से भी तुझे निकाल दिया जाएगा, और तुझे मैं इतना बदनाम करवा दूंगी कि इस शहर तो क्या तू कहीं भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। शोभा उस रात हॉस्टल से निकली तो जरूर, लेकिन उसने कुछ तय कर लिया था। वो हॉस्टल से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर नाजनीन को हॉस्टल और वार्डन की सारी सच्चाई बता दी। शोभा की बात सुनकर नाजनीन शॉक्ड रह गई। शर्म आ रही है मुझे तुम पर और उन सभी लड़कियों पर जो अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में शॉर्टकट अपनाती हैं और अपने सम्मान का सौदा करती हैं, और तुम जैसे मासूम लोगों का फायदा तुम्हारी वार्डन जैसे लोग उठाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर नाजनीन। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन ये गलती कोई और ना करे और तुम्हारी वार्डन किसी और का फायदा ना उठाए, इसके लिए इस पूरे रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर नाजनीन ने वार्डन को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। जिस वार्डन पर लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो उनका सौदा करने लगी थी। इस बात को सुनकर पूरा शहर सन रह गया। आज शोभा इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में है और वो बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही है। आखिर उसे अपने बाबा का सपना जो पूरा करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।